सो गाइस, गाइस अभी फिलहाल के लिए टाटा स्टील के अंदर दो बहुत बड़ी मेजर अपडेट निकल के आ रहा है, जिसमें कि पहला अपडेट आ रहा है टाटा स्टील स्टॉक का स्प्लिट को लेकर। तो अभी रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड हो गया है, यानी कि टाटा स्टील का अभी रिकॉर्ड डेट हो गया है 29 जुलाई, यानी कि कुछ दिनों का बाद अभी रिकॉर्ड डेट आने वाला है। और कोई भी अगर शेयर होल्डर अगर एलिजिबल होता है तो उनको एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलेगा, यानी कि अभी फिलहाल के लिए फेस वैल्यू टाटा स्टील का चल रहा है 10 रुपीस, और बाद में घटकर हो जाएगा 1 रुपीस से पार फेस वैल्यू हो जाएगा। तो उसके बदले अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 10 शेयर एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो फिलहाल के लिए गाइस यही कुछ अपडेट निकल के आ रहा है। उसके बाद दोबारा एक और अपडेट निकल के आ रहा है, जिसमें कि ICICI सिक्योरिटीज से ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर एक अच्छा खासा तेजी भी हमको दिख सकती है। तो फिलहाल के लिए ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकर्स ने बताया है कि द निफ्टी हैज रिमेन्ड द वोलेटाइल सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मे सीरीज अलोंग विद द बॉर्डर मार्केट फ्रॉम मेटल सेक्टर। टाटा स्टील विटनेसेस ए सिग्निफिकेंट करेक्शन, ऑलरेडी हद से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है टाटा स्टील के अंदर। तो अभी सारे शेयर होल्डर्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है टाटा स्टील। तो फिलहाल के लिए टाटा स्टील को अभी ICICI सिक्योरिटीज रिकमेंड कर रहा है, और ब्रोकरेज हाउस ने बोला है कि अगर आपको खरीदना है तो आपको 875 से लेकर 895 रुपीज़ के बीच में आपको खरीदना होगा, और आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 799 रुपीज़ का आसपास, और अगले 3 महीने के अंदर आपको जो टारगेट प्राइस मिल सकती है वो लगभग लगभग 1045 रुपीज़ का आसपास हमारा ये टारगेट भी हिट हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और पहले हम लोग देख लेते हैं कि सोमवार के दिन यानी कि क्या हो सकता है, सोमवार के दिन हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले दिन गाइस एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है, यानी कि फ्राइडे के दिन को मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ है, निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, साथ ही साथ टाटा स्टील भी गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिला है, और इसी जो रेड वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने डाला है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि सोमवार के दिन फिर से यही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और ज़्यादा नीचे आएगा। इसी ट्रेंड लाइन को अभी फिर से सपोर्ट बनाकर हमको एक यू शेप पैटर्न भी मिल सकती है। तो लगभग लगभग हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 914 रुपीज़ के आसपास, हमारा फर्स्ट टारगेट टाटा स्टील के अंदर सोमवार के दिन हमको तेजी भी दिखा सकती है। और मैंने बता दिया कि ICICI सिक्योरिटीज एंड ऑल्सो स्टॉक स्प्लिट का जो न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके वजह से तेजी होना तो बनता है। तो हमको हम लोग देखेंगे कि सोमवार के दिन मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।